कभी कभी पता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है हमारा मन है ना जो चीज़ चाहता है ना उसको पाने के लिए ना चीज़ें अपने आप हमारे आसपास आने लगती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। तो चलिए इस वाले व्लॉग में ना मैं आप लोग के साथ एक DIY शेयर करने जा रही हूँ। ये DIY मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बनाऊँगी। मैंने विनी के लिए एक प्रोडक्ट है ना अमेज़ॉन पे विशलिस्ट पे डाल के रखा था, सोचा उसका प्राइस ड्रॉप होगा तब मैं उसके लिए मंगा दूँगी। तो काफ़ी समय से मैंने उसको विशलिस्ट में रखा था, लेकिन एक दिन अचानक से ये डब्बा मेरे पास आया और फिर मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई कि चलो मैं इसी से वो DIY बना लेती हूँ। तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले इसके जो ऊपर के दो कान है ना इसमें से एक को मैं कट कर दे रही हूँ और एक को देखो इस तरह से ना गोल सा दो हाफ सर्कल बना के मैंने कट कर लिया। तो भाई मुझे कान है ना एक साइड में ही बनाना था, दोनों साइड नहीं रखना था इसलिए। और यहाँ पर है ना मैंने एक बहुत बड़ी सी गलती कर दी थी जो आप लोग को आगे पता चलेगा। यहाँ पे अभी मैं ग्लू में ना फेविकोल में पानी मिला के और उस पर टिश्यू पेपर लगा दे रही हूँ। तो मैंने इसमें क्या गलती की है ना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और वैसे तो मैं आगे बता ही दूंगी। तो यहाँ पर है ना वाइट पुट्टी मैंने पतला सा घोल लगा के इसको ड्राई कर दिया, ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया। उसके बाद इस तरह से ना मैं इसको रेगमार्क पेपर से अच्छी तरह से घिस दूंगी जिससे ना इसमें कुछ ये जो इसका सरफेस है ना वो एकदम प्लेन हो जाए। तो ये देखिए प्लेन हो गया, और अब मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ ताकि कलर लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है। यहाँ पर ना जब मेरे पास टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए थे तो मैंने ना न्यूज़पेपर भी लगा दिया था, आप भी लगा सकते हैं। और अब है ना यहाँ पर मैं एक डो ले ली हूँ, ये भी वाइट पुट्टी ही है, इसमें फेविकोल और थोड़ा सा पानी मिला के मैंने डो बना लिया था। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तो स्केच पेन का ढक्कन था उससे मैं इसे कट कर रही हूँ। तो मुझे छोटे छोटे इस तरह के सर्कल चाहिए थे, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गीला है ना जिसके वजह से ना ये उसमें ढक्कन में लग जा रहा है। तो मैं अभी बस इसमें एक हल्का हल्का सा टैप करके इसको एक शेप में कट कर ले रही हूँ, निकाल नहीं रही हूँ। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना तब निकालूंगी, अभी मैं इसको गिन रही हूँ। गिन क्यों रही हूँ वो देखने के लिए आप वीडियो में बने रहना, जाना नहीं। तो ये देखिए अभी अच्छे से नहीं निकल रहा है, तब तक उसको हम ड्राई होने देते हैं। और यहाँ पर है ना मैंने बना लिया एक और इस तरह से सर्कल, और उसको बीच में थंब की हेल्प से इस तरह से मैं छेद नहीं बोलेंगे, इस तरह से मैंने एक शेप दे दिया है। और यहाँ पर है ना ये थोड़ा सा पुट्टी हल्का सा ड्राई हो चुका है पहले के कंपेरिजन में। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से फिर से निकालना मतलब अभी मैं इसको निकाल लूँगी। लेकिन निकालने के लिए देखिए साइड साइड का ना मैं इस तरह से तो निकाल ले रही थी, लेकिन बीच का निकालने में ना अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और मेरे पास ना कोई टूल्स नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ। तो जब से DIY करने लगी हूँ ना तो चीज़ों को ना संभाल के रखती हूँ, तो विनी भी चीज़ों को संभाल के रखने लगी हैं। तो वो इस तरह का ना आइसक्रीम स्टिक बहुत सारा उन्होंने संभाल के रखा है, तो बस उसी में से एक ले लिया और उसको सीजर से कट करके अब रेगमार्क पेपर से ना इस तरह से घिस दूँगी। तो आप देखोगे ना कितना अच्छा सा ना मेरा ये DIY छोटू सा तैयार हो गया। अब इससे मैं कोई भी मतलब शेप वगैरह भी कर सकती हूँ, और इससे मुझे यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए इस तरह से आराम से निकल जा रहा है, बिल्कुल भी मेरा सर्कल ख़राब नहीं हो रहा था। तो ये अच्छा आइडिया था ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, न्यू वीडियो बनाने के लिए मन भी करता है। तो इस तरह ना एक एक करके सभी सर्कल को मैं निकाल के ड्राई कर दूंगी। और फिर चलिए अब फिर से मैंने एक दो ले लिया है और इसको ना इस तरह से हाथों से ना मैं थोड़ा सा टैप टैप करते हुए बड़ा कर लूँगी। नीचे मैंने टेलकम पाउडर लगा दिया ताकि ये नीचे ना चिपके, और फिर इस तरह से इसको बड़ा कर लेना है। फिर देखिए आगे मुझे क्या करना था। तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, तो ये वो गलती थी। ये जो कार्डबोर्ड था ना इसमें पतला सा प्लास्टिक की लेयर लगी हुई थी, और जब मैं टिश्यू पेपर लगाई थी तो मैंने ग्लू नहीं लगाया था बेस में, इसलिए ये बाद में इस तरह से छोड़ने लगा था। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं, इसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन इन प्रॉब्लम से हमें पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ग्लू की हेल्प से ना अब मैं यहाँ पर
हमारा जो डो था उसको स्टिक कर रही हूँ और इस तरह से ना इसमें एक शेप दे रही हूँ। तो शेप देने के लिए ना पहला नीचे का जो बेस है ना वो हल्का सा ड्राई हो गया था, तो फिर मैंने सेकेंड लेयर दिया था और इसको हाथों की हेल्प से ही मैं थोड़ा सा शेप वगैरह दे रही हूँ। मेरे पास कोई टूल्स वगैरह नहीं थे जिसका यूज़ करके मैं बहुत ही परफेक्ट बनाऊँ। जैसा भी बना रही हूँ वैसा मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तो इस तरह से शेप देते हुए ये देखिए मैंने दे दिया है और ये अब सूख गया है। तो नीचे ये उबड़ खाबड़ दिख रहा है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ये सब अब ढक जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने थोड़ा सा डो ले लिया है। अब है ना इसको थोड़ा सा पानी लगा के ना मैं गीला कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे गीला डो चाहिए था, सूखा डो नहीं चाहिए। और फिर से एक बार गलती कर दी, अब ना करूँगी। तो अच्छे से ग्लू लगा के फेविकोल लगा रही हूँ और फेविकोल लगा के फिर मैं इस पर जो भी मेरी वाइट पुट्टी का डो है उसको स्टिक करूँगी, ताकि ये वाला बेस ना निकले। तो अब इस तरह से ना इसको हाथों से ही टैप करते हुए मैं पूरी अच्छी तरह से पूरे मतलब मेरे यहाँ पे सरफेस पे लगा दूंगी। और ये देखिए कितना अच्छे से ये तैयार हो गया है। और जब ये थोड़ा सा हल्का सा सूख गया तो इस पर ना मैं इस तरह से दो दो इंच का मेजरमेंट करके और इस पर डिटेलिंग कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आइसक्रीम स्टिक मेरे कितने काम आ रही है। तो मेरे साथ साथ विनी की ना विनी जो सीख रही हैं उनसे मुझे फ़ायदा होता है, मुझे उनसे फ़ायदा होता है, तो हम दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। और इस तरह से मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हल्के हाथों से ही करना है। ये ज़्यादा अभी डो सूखा नहीं था इस तभी मैं इस पर डिटेलिंग कर रही हूँ, ज़्यादा सूख जाता ना तो फिर डिटेलिंग नहीं हो पाता। और ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है। और फिर अब इसमें बारीक डिटेलिंग करने के लिए क्या करूँ दिमाग नहीं चल रहा था। बाद में समझ में आया, मेरे पास एक सुई थी, बड़ी सुई थी, लेकिन ये देखिए कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अब देखिए इसका कितना अच्छा यूज़ करने वाली हूँ। तो जो बारीक वाली डिटेलिंग थी वो मैं इस सुई से कर दे रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ना डिटेलिंग हो जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपना डिटेलिंग कर रही हूँ और इसके बीच मुझे एक सर्कल बनाना था। फिर से मेरा ये जो ढक्कन था कलर का, स्केच कलर का, वो काम आ गया और बीच में फिर से सुई की हेल्प से मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। तो पता है बस हमें ना कोई चीज़ करने के लिए मन होना चाहिए। जब आपका मन होगा ना तो फिर हम कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। मन ही ना हो तो फिर हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये मैंने इस तरह का कभी मैंने मतलब क्राफ्ट नहीं बनाया था, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। जैसा भी बनेगा प्लीज़ आप लोग है ना कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तो यहाँ पर फिर से एक पतला सा डिटेलिंग करना है। तो बहुत सारी डिटेलिंग इसमें थी, तो धीरे धीरे मैं इस तरह से अपना कर रही थी। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने एक भी चीज़ बाहर से परचेस नहीं किया है, जो भी चीज़ें घर पे थी बस उसी का यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए डिटेलिंग होने के बाद है ना जो सर्कल मैंने बना के रखा था वो ड्राई हो गया था, तो फेविकोल के हेल्प से मैं इसको स्टिक कर दी हूँ। और अब छोटे छोटे जो सर्कल, और ये मेरे यहाँ पर देखिए ग्लू भी ख़त्म हो गया है, तो अब मुझे हाथों से ही फेविकोल लगाना होगा। तो एक लाइन में मैं फेविकोल लगा ले रही हूँ, ताकि जो छोटे छोटे सर्कल बना के मैंने रखा था ना उसको लगाने में आसानी होगी। तो एक एक करके ना मैं इसे लगा दे रही हूँ, इसे मुझे एक लाइन में ही लगाना है। ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो फिर ये दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो मेजरमेंट्स करते हुए मैं धीरे धीरे इनको यहाँ पर पेस्ट करते जा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये लग गए हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो अब आगे का भी कुछ हल्का फुल्का सा डिटेलिंग रह गया था तो मैं उसको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ और उसके बाद मैं इस तरह का कुछ डिटेलिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह से सुई के हेल्प से मैंने एक डिटेलिंग दे दिया है और ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तो बस इसे अब हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तब तक फिर से मैंने एक डो ले लिया है और फिर उसका एक सर्कल बना के इस तरह से टैप टैप कर दूंगी और फिर इसे बीच में से कट कर दूंगी। कट क्यों कर रही हूँ इसे देखने के लिए ना, आप वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए कट कर दिया और यहाँ पर फिर से मैं अच्छी तरह से ग्लू लगा रही हूँ। अब ग्लू में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करूँगी वरना मेरा DIY ना ख़राब हो जाए। और यहाँ पर जो मैंने कट किया था हाफ सर्कल उसको इस तरह से लगा दे रही हूँ। तो बेसिकली मैं आप लोग को बता दूँ, मैं यहाँ पर है ना पैर बना रही हूँ। तो ये देखिए पैर का शेप है। तो इस तरह के आइसक्रीम स्टिक की हेल्प
से मैं इसको एक अच्छी तरह से शेप दे दूंगी। और यहाँ पर दोनों पैर मैंने अटैच कर दिया है, यह भी गीला है, काफ़ी गीला है। तो बस इस पे ना मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से एक मतलब मार्क कर दे रही हूँ। अभी तो यहाँ पर डिटेलिंग पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, तो बस एक मार्क कर रही हूँ ताकि आगे चल के ये आराम से बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये थोड़ा सा हल्का ड्राई हो जाएगा ना, तब जाके मैंने इसमें डिटेलिंग किया। और यहाँ पर विनी देखे मस्ती कर रही हैं, ये बैठी हुई हैं कलर करने के लिए, इनको कलर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये सोचिए कब ये बन जाए और कब मैं कलर करूँ, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। जब बन जाएगा तब विनी से कलर करवा देंगे। और यहाँ पर मैं बार बार इसको शेप दे रही हूँ अच्छी तरह से। और ये दो दिन बाद ये देखिए अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और देखने में कुछ ही ऐसा लग रहा है। बीच में थोड़ा सा ये जो क्रैक दिख रहा है ना, इससे कुछ नहीं है, पानी की हेल्प से हम उसको सही कर देंगे। और देखिए मेरे और ये देखिए मेरे नाना लाश है ना, ये वो वाला मम्मी अभी भी देखिए क्या कर दी, रेड रेड हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, फिर फैन ऑन कर दिया, रेड हो रही है ना, देखो रेड रेड दिख रहा है ना, इधर रेड रेड देखिए मेरी मम्मी कितनी सारी चीजें बर्बाद करती है। कभी भी अपने घर नहीं बुलाना, कभी भी नहीं बुलाना, देखो हम कलर करने जा रहे हैं, मम्मी मना कर दी। तो फिर चलिए इनकी बातें ना चलती रहती है और हम इसे कलर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, पेंसिल की हेल्प से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया और फिर उसे चाकू से कट कर दिया है। तो ये हमारा पिगी बैंक बनके तैयार हो जाएगा और यहाँ से हम पैसे भी डाल सकेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है। और यहाँ पर अब मैं वाइट कलर कर रही हूँ, मेरे पास जेसो नहीं था इसलिए जेसो नहीं लगा रही हूँ और विनी से ही कलर करवा रही हूँ। बेस कलर तो करना था तो विनी कर दे रही हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश भी हैं करने में, इनको अच्छा लगता है तो मैं इनको कलर वगैरह करने देती हूँ। तो ये देखिए कितने आराम से कर रही हैं और खुश हो गई हैं। और फिर मैंने ये कुछ डिटेलिंग कर दिया था कलर से और अब मैं इनकी आंखें वगैरह बना दूंगी, जो भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग बचा है उसको भी कर देंगे। तो यहाँ पर है ना कलर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ, मेरी ना ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, जैसे भी बन रहा है बस मैं बना दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मतलब DIY मैं बनाऊँगी, मैं तो बस लेने के लिए उसको विश लिस्ट में रखा था, लेकिन चीज़ें मेरे पास आते गए और मेरा मन हो गया कि मैं इसे घर पे ही बनाऊं। और सच में बोलूं इसे बनाने के बाद ना मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और यहाँ पर बना ले रहे हैं इस तरह से हम तिजोरी के फिंगरप्रिंट। हिला नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम नंबर लिख लेते हैं, नंबर नहीं लिखेंगे तो तिजोरी का पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल जीरो बजट में और बहुत ही आसान तरीके से हमारा पिगी बैंक DIY बनके तैयार हो गया। बेकार से पड़े मिठाई के डब्बे से हमने बहुत ही सुंदर सा DIY बनाया है। और इसे अगर आप ऑनलाइन या शॉप में लेने जाएंगे तो 800 से 900 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये DIY कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा बुरा जो भी। और वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।